गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। मैं हूं पवन और पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 8 बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस के पार्ट 3 में। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सारे फंक्शंस हमने देख लिए थे। हमें चलना है अब ज्वाइन फंक्शन से, तो हम लोग बढ़ेंगे अपने ज्वाइन फंक्शन में। तो ज्वाइन को भी देख लेते हैं, ज्वाइन क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सीक्वेंस नाम का SEQ नाम का, इसे सीक्वेंस शॉर्ट में हमने लिखा, SEQ नाम के एक वेरिएबल बनाया, या बोल सकते हैं आप हमने एक सीक्वेंस ही बनाया, एरे या सीक्वेंस कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने इस एरे के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने स्ट्रिंग्स रखे हैं। ये देखिए स्ट्रिंग्स रखे हुए हैं या नंबर्स रखे हुए हैं, ये नंबर्स नहीं है, स्ट्रिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में रखे हैं, हमने एक स्ट्रिंग रखा है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसे ज्वाइन करने बोल रहे हैं। तो शुरू में यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम करके बता देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइन के बाद, ज्वाइन के पहले हमने एक स्पेस दिया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक स्पेस रखा है डॉट ज्वाइन, उसके बाद सीक्वेंस को कॉल कर दिया है। तो ये क्या कह रहा है कि ज्वाइन करो आप सीक्वेंस के सारे चीज़ों को, सीक्वेंस नाम के जो भी एरे होगा या कुछ भी है ये सीक्वेंस, तो उसमें जितने भी चीज़ हैं सारे को ज्वाइन कर दो। और ज्वाइन करने के बाद, हर एक चीज़ के बाद, जो भी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी चीज़ है, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अगर 5 चीज़ है, तो सब के बीच में आप ये स्पेस डाल दो, है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि प्लस को दे दो और ज्वाइन कर दो सीक्वेंस को, ठीक है। जैसे हम अब प्रोग्राम से समझते हैं, हमने अपना प्रोग्राम चलिए ओपन कर दिया, एंड नाउ हम अपने प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने उसी तरह से अब सीक्वेंस में ही काम कर ली। सीक्वेंस में हमने क्या कहा कि आप, सीक्वेंस में हमने कहा कि एक ले लो 1 एंड एक ले लो 2, एक ले लो 3, एक ले लो 4, हमने 4 में नहीं दिया, 4 में, एंड नाउ 5 में। हमने इस तरह से एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब हम इसे चल जाते हैं बाहर, अब हम इसे क्या कहेंगे कि ज्वाइन करो सीक्वेंस को। जैसे मान लीजिए कि अभी सिर्फ हम सीक्वेंस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हमने जस्ट सीक्वेंस को कॉल किया। देखिए किस तरह से ये डिफरेंट होने वाला है, सीक्वेंस को कॉल किया तो ये सारे चीज़ों को एक साथ दिखा रहा है ना। बीच में कोई भी अगर आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया तो उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा, सारे को ज्वाइन करके दिखा रहा है, ठीक है। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि यही चीज़ रहने दो, आप यही चीज़ रहने दो, लेकिन बीच बीच में एक स्पेस डाल दो। तो हमने एक स्पेस दिया, अब हमने क्या कहा कि ज्वाइन कर दो इसे, और ज्वाइन करने के बाद किसे ज्वाइन करना है, हमें सीक्वेंस को ज्वाइन करना है। तो हमने सीक्वेंस पास कर दिया और इंटर कर दिया, ओप्स वन मिस्टेक्स, फिर से स्पेस क्यों नहीं दिया, हमने कुछ गड़बड़ी की है। जैसे हम लोग दूसरा फंक्शन में जाते हैं और यहाँ पे प्लस डाल के देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे हम लोग प्लस डाल के देख लेते हैं, ये भी नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसको। तो हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। चलिए ये प्रॉब्लम क्या था कि हमने इसे सेपरेट किया ही नहीं, सीक्वेंस को हमने सेपरेट
किया ही नहीं। मान लीजिए कि हमने ये जो सीक्वेंस लिखा था इसे तो मालूम होना चाहिए ना कि एक एक स्ट्रिंग अलग अलग है, तो हमने बीच बीच में कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब होगा, अब हम जब इसे इंटर करेंगे, अब जब हम सीक्वेंस को लेंगे तो ये सबको अलग अलग मानेगा, सबको अब ये अलग अलग मान लिया। ठीक है, अब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या था स्पेस। अब क्या कहा कि स्पेस डॉट ज्वाइन और द सीक्वेंस, तो ये बीच बीच में स्पेस दे दिया सबका। ठीक है, अब हम इसे कह देते हैं कि भाई वहाँ पे स्पेस नहीं, हमको क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए। तो हमने प्लस का साइन लिख दिया और अब कह दिया, तो ये क्या कर रहा है, जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग्स थे वो सारे के बीच बीच में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि हमको ये तो स्ट्रिंग्स हुआ, अगर यहाँ पर ए बी सी रखते तो भी ऐसे करता, अगर कोई नंबर होता तो क्या करते। चलिए, तो अब हम देखते हैं अपना नंबर में स्ट्रिंग्स। तो मान लीजिए हम उसी को सीक्वेंस को ले लिए और सीक्वेंस के अंदर हम अब सीक्वेंस के अंदर डालेंगे वैल्यूज़, वो भी हो गए नंबर्स में। अब हम ये डाल दिए नंबर्स में, सीक्वेंस में ये ओके। एंड नाउ हम उसे क्या कहेंगे कि इसे भी ज्वाइन करो। मान लीजिए हमको पहला वाला फंक्शन ही जैसे स्ट्रिंग में काम किए थे, देख लेते हैं कि वो काम करता है या नहीं करता। तो हमने उसके लिए क्या कहा था कि भाई एक स्पेस डालो, हाँ हमने क्या कहा था, एक स्पेस डालो। ठीक है, और साथ में डॉट फंक्शन, उसके बाद हमने क्या कहा था, ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन कर दो किसको, सीक्वेंस को, ये कहा था। ये तो नंबर में है तो आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, इधर बता दिया है ना। अब हम पिछले वाले में चल जाते हैं, हमने ज्वाइन के बाद फिर से अपना पैरेंथेसिस खोले। ठीक है, और उस पैरेंथेसिस के अंदर डालेंगे सीक्वेंस और यहाँ पे डालेंगे हम लोग मैप। हमने क्या किया, उसे मैपिंग कीजिए, और मैपिंग कीजिए तो किस में कीजिए, एस टी आर में कीजिए, और किसको कीजिए, तो सीक्वेंस को कीजिए। अब ये सही है, चलिए हमने डबल पैरेंथेसिस सही है। अब ये क्या कर दिया, सबको एक साथ ये मैप कर दिया, आई मीन ज्वाइन कर दिया, और बीच बीच में क्या कर डाल दिया, स्पेस। हम इसे स्पेस के जगह पर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया माइनस। ठीक है, अब ये देखिए बीच बीच में माइनस दिखा दिया। आप समझ गए होंगे ज्वाइन, ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन हम स्ट्रिंग्स पर भी काम कर सकते हैं और नंबर पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन नंबर पर काम करने के लिए हमें एक और फंक्शन बीच में पास करना होगा ज्वाइन के अंदर, और वो क्या है, मैप है। और मैप फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स पास होते हैं, पहला जिसमें आपको डालना है और सेकेंड जिसको आपको डालना है। आप मैप फंक्शन पहले भी देख चुके हैं आप पहले के प्रोग्राम में। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं अब स्प्लिट, है ना, स्ट्रिप ये बचा हुआ है, स्ट्रिप बचा हुआ है। तो स्ट्रिप देखेंगे हमें, लेफ्ट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप और स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप क्या करेगा, सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रिप करने वाला है जो भी फालतू के जो स्पेसेस आ जाते हैं ना हमारे कुछ भी लिखने में, स्ट्रिंग्स या कोई भी सेंटेंस लिखने में, जो भी हम पहले स्पेस देते हैं या हमें आदत होती है, जैसे हम लोग प्रोग्राम में यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे हमें आदत होती है कि मान लीजिए हमने कुछ लिखा कि राम, और उसके बाद हमें आदत होती है लास्ट में एक स्पेस दे देने की, ये आदत होती है या लास्ट में चला जाता है, या फिर हम शुरू में ही स्पेस देते हैं तब हम राम लिख देते हैं। तो इस तरह से लिखने से क्या होता है कि वो एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है ना, तो आप इसे ही हटा सकते हैं इस तरह से। तो किस तरह से, ये देखिए, मान लीजिए हमने लिखा ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने साइन कर दिया, मान लीजिए कि हमने लिख दिया वही एप्पल इज ए फ्रूट, हमने लिख दिया एप्पल इज ए फ्रूट, और लास्ट में हमने एक और स्पेस दे दिया। ठीक है, इस तरह से एक और स्पेस दे दिया। अब हम कहते हैं कि क्या करो, ए डॉट स्ट्रिप कर दो, ए डॉट एस टी आर आई पी कर दो। तो ये क्या करने वाला होगा कि ये दोनों साइड से जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उसको रिमूव कर देगा। तो लेफ्ट साइड तो हमने कोई स्पेस नहीं डाला था, राइट साइड में स्पेस डाला था, तो राइट साइड वाला हटा दिया,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक और मान लीजिए कि बी लिख दिए और बी में हमने एक लंबा सा स्पेस डाल दिया, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर एप्पल, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग राइट साइड भी स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें जैसे यहाँ पर नहीं दिए हम लोग, यहाँ पे क्या दे देंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा। अब बी में तो ये चला गया, अगर हम बी को अभी यहाँ प्रिंट कर दें तो ये बिल्कुल उसी तरह से प्रिंट हो रहा है। अब हम इसे क्या करते हैं, बी डॉट स्ट्रिप, ऐसे बी डॉट स्ट्रिप, तो ये दोनों साइड से हटा दिया, देख रहे होंगे आप। अगर इसी को हम अगर लेफ्ट स्ट्रिप बोलते हैं, बी डॉट लेफ्ट स्ट्रिप, तो ये क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले को हटाएगा, और ध्यान से देखिए राइट साइड वाला नहीं है। जैसे हम जूम करके यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, ये क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ तक है, है ना। मतलब ये लेफ्ट साइड वाला सिर्फ हटाया और राइट साइड वाला नहीं हटाया। अब मान लीजिए कि हम इसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और हम इसमें आर लिख देते हैं, तो ये क्या किया, राइट साइड वाले सारे स्पेसेस को हटा दिया, सिर्फ लेफ्ट साइड को रखा। आसान था ये समझने में, आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि स्ट्रिप क्या करता है, दोनों साइड के एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाता है। लेफ्ट स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट साइड के सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाता है, और राइट स्ट्रिप क्या करता है, जस्ट उसका उल्टा, राइट साइड के स्पेसेस को हटाता है। चलिए तो हमने अभी देखा क्या, फिर लेफ्ट स्ट्रिप एंड नाउ राइट स्ट्रिप एंड स्ट्रिप। अब क्या बचा हमारा, कि हमारा बच गया स्प्लिट और स्प्लिट लाइंस, ठीक है। अब हम स्प्लिट और स्प्लिट लाइंस में आते हैं, ठीक है। आई थिंक और बाकी सब तो सब कुछ हो गया है, हमने राइट फाइंड देख लिया, राइट इंडेक्स देख लिया, जस्टिफाइज देख लिया, एंड नाउ ये सब तो हम लोग वाइट वाले नहीं देखने वाले, हम लोग पहले भी बता चुके हैं, ये सब अभी समझने के लिए ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी नहीं हमें पढ़ने वाला। तो हम लोग आ जाते हैं स्प्लिट और स्प्लिट लाइंस में, ये सब हमने नहीं देखा था। तो हम स्प्लिट और स्प्लिट लाइंस में आते हैं, प्रोग्राम खोलते हैं। मान लीजिए कि अब ए नाम का हम एक फंक्शन ले लिए और इसमें असाइन कर दे रहे हैं एक ऐसा चीज, हमने लिख दिया ये स्लैश टी, लिख दिया स्लैश टी, उसके बाद हमने लिख दिया एप्पल इज नॉट स्वीट, यार यहाँ पर भी हमने दे दिया स्लैश टी, ठीक है। अब मान लीजिए हम ए को रखेंगे तो जो है वो तो है, जो ये है वो है, ए के अंदर हमने ये चीज़ रख दिया। अब हम इसे क्या कर रहे हैं कि आप स्प्लिट कर दो, स्प्लिट का मतलब क्या होता है आप समझे होंगे, टुकड़ों में बांटना, ये स्प्लिट कर दो। तो हम इसे क्या कहेंगे, स्प्लिट कर दो ए डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन कॉल करती है, और स्प्लिट फंक्शन के अंदर हम ये बोल देंगे कि कहाँ से स्प्लिट करना है। तो मान लीजिए कि हमने इसे कहा कि जहाँ जहाँ ई होगा वहाँ वहाँ से स्प्लिट कर दो, तो ये क्या कर दिया, जहाँ जहाँ पर ई है वहाँ वहाँ से स्प्लिट करना शुरू कर दिया। जैसे शुरू में एप्पल में ई था, यहाँ से अलग किया, उसके बाद इज नॉट स्वीट में पहला ई था यहाँ पर किया, फिर एक और ई था वहाँ पर किया, और तब जाके टी लिखा और स्लैश टी बाद में लिखा। तो ये क्या कर रहा है, ये टुकड़ों में बांट रहा है उसी स्ट्रिंग को उसी लाइन में, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ कि हमने ऐसा स्ट्रिंग लिखा जिसमें एक ही लाइन में नहीं बहुत सारे लाइंस में है, है ना, तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पर भी अलग अलग लाइन होगा वहाँ से ब्रेक करके आप एक जगह पे रखो। जैसे कि हम स्ट्रिंग ले लेते हैं तो बहुत सारे लाइंस को हम लोग एक साथ स्ट्रिंग में लिखने के लिए क्या करते हैं, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का हम लोग ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करते हैं। मान लीजिए हमने ए बी सी नाम के एक वेरिएबल बनाया और उसमें ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर
हम मान लीजिए हम पहला पहला स्ट्रिंग डाल रहे हैं एप्पल, दूसरा स्ट्रिंग डाल रहे हैं हम लोग ग्रेप्स, अगला डाल रहे हैं हम लोग पीस, अगला डाल रहे हैं हम लोग बनानास, अगला हम लोग डाल रहे हैं मान लीजिए मैंगो। हमने ये सब डाल दिया, ये सारे कुछ किस में चले गए, ए बी सी में। अब ये बंद, अभी तक बंद नहीं, ये भी चला गया उसके अंदर, देख लीजिए। तो हम लोग क्या कर देंगे इसके अंदर, ये तो एक्स्ट्रा चला गया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे डाल देते हैं। अब गया, ठीक है, ये चला गया। अब हम मान लीजिए ए बी सी को कॉल कर देते हैं, तो ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि जो भी हमने स्ट्रिंग लिखा है, बीच बीच में स्लाइस एन का यूज किया गया है। तो स्लाइस एन का मतलब क्या होता है, लाइन चेंज, है ना, एक लाइन फीड होता है, एक लाइन को चेंज करने को दर्शा रहा है। ये बता रहा है कि आप ये जो है वो अलग अलग लाइंस में लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्प्लिट फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा उसे कि ए बी सी डॉट स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर दिए, और स्प्लिट फंक्शन को कॉल करने के बाद हम इसके बोल रहे हैं कि कहाँ से स्प्लिट करना शुरू करो, भाई वहाँ से जहाँ से स्लाइस एन है, जहाँ जहाँ पर भी स्लाइस एन होगा वहाँ से स्प्लिट करो। तो क्या ये काम करेगा, देख लीजिए, ये काम किया है ना, ये बता रहा है कि स्प्लिट करो अब कहाँ से, जहाँ पर स्लाइस एन होगा, है ना, मतलब ये बोल रहा है कि जहाँ पर भी लाइन चेंज है वहाँ से आप स्प्लिट करो। तो सारे लोग आ गए अपने अपने सीक्वेंस में, ये हम लोग एक एक स्टार्ट वहाँ पर डला गया था, तो यही प्रिंट हो रहा है। चलिए, तो हम लोग मैंगो तक लिखे थे, वहाँ तक हम लोग समझते हैं मैंगो तक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, कि हमको बताना पड़ा कि स्लाइस एन जहाँ पर भी होगा वहाँ से आप करो। लेकिन अगर यही में इसी में हम लोग ये बोल देते ना कि ए बी सी डॉट स्प्लिट लाइंस, हम लोग जस्ट कह देते उसे स्प्लिट लाइंस ना, तो हमें कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। यहाँ पे हमने कुछ भी पास नहीं डाला, वो समझ गया कि लाइंस को ही आपको स्प्लिट करना है, हर लाइन को अलग अलग रख के तब आपको एक में दिखा देना है, ठीक है। हमने फिर से अभी देख लिया स्प्लिट और स्प्लिट लाइंस, आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने एक और यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने इम्पोर्ट किया है स्ट्रिंग, और उसके बाद ये लिखा है, ये भी हमने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है स्ट्रिंग को, ठीक है। ये ज़रूरी है, अगर आपने प्रिंटेबल नाम के फंक्शन को कॉल किया है, तो अगर प्रिंटेबल किया या फिर लोअर केस अपर केस, यहाँ पर हम लोग कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो अगर ये सब फंक्शंस को अगर हम लोग को कॉल करना है या स्ट्रिंग को ही कॉल करना है, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले स्ट्रिंग, और ये उसमें काम नहीं करने वाला इंटरेक्टिंग मोड में, हमको इसके लिए फंक्शन बनाना होगा, है ना, प्रोग्राम बनाना होगा। तो उसमें क्या किए, एस नाम के फंक्शन में हम लोग www.cidaduhav.com ये हमने रख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर हम प्रिंट कर देते हैं एस को, तो जस्ट ये यही चीज़ प्रिंट हो जाएगा। अब हमने क्या बोला, प्रिंट करो एस डॉट स्ट्रिप कर दो W से, ये क्या बोला, मतलब किसे हटा दो, W को, स्ट्रिप फंक्शन के अंदर हमने जो चीज़ पास कर दिया वो चीज़ को हटा देगा, है ना। तो ये चीज़ को हटाएगा तो कहाँ से, लेफ्ट से या तो राइट से। अगर लेफ्ट साइड में सबसे पहले मिला W तो उसे हटाएगा, राइट साइड भी मिला तो उसे भी हटाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ तो बहुत कुछ कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया एस डॉट स्ट्रिप, और स्ट्रिप करो तो किसे, स्ट्रिंग को स्ट्रिप करो, और वो कैसा स्ट्रिंग होना चाहिए, प्रिंटेबल होना चाहिए, मतलब जो भी प्रिंटेबल स्ट्रिंग होगा उसे हटा दो, ठीक है। जैसे हम प्रोग्राम से समझ लेते हैं, हम अपना प्रोग्राम खोल लेते हैं पाइथन सेल का,
खुल गया हमारा पाइथन सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं इसे कि इंपोर्ट करो किसे, स्ट्रिंग नाम के चीज को इंपोर्ट कर दो स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या था, इसके बाद क्या था, हम एस में असाइन करते हैं। मान लीजिए एस में कुछ हमने लिख दिया, हमने लिख दिया क्या, www.cidaduhub.com हमने ये स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। अब हम इसे क्या कह रहे हैं कि प्रिंट करो एस को, प्रिंट करो किसे, तो एस को प्रिंट करो। तो ये जस्ट उसे प्रिंट कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि चलो प्रिंट तो करो एस को, है ना, प्रिंट तो करो एस को, लेकिन एस के साथ में क्या कर दो आप, स्ट्रिप भी कर दो, स्ट्रिप कर दो। और किसे स्ट्रिप कर दो आप, डब्ल्यू को कर दो, है ना। ये फंक्शन था, हम लोग फिर से पैरेंथेसिस बंद करते हैं। अब ये क्या बोला, ये डब्ल्यू जहाँ से मिला वो हटा दिया, देख रहे हैं आप, डब्ल्यू जो भी शुरू में मिला उसे ये हटा दिया। अगर आप दो W के बाद अगर कुछ और डाल देते और फिर एक W रहता तो क्या करता, वो सिर्फ दो ही W को हटाता, फिर नहीं हटाता। जब तक इसे W मिल रहा है तब तक ये हटा रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं मिला W जैसा तो उसे छोड़ दिया। अब हम इसी फंक्शन को मान लीजिए फिर से प्रिंटेबल में लेते हैं, हम बोलते हैं कि प्रिंट करो, ठीक है, किसे, एस को ही प्रिंट करो, ठीक है, एस डॉट स्ट्रिप कर दो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हम पास कर दे रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन, और साथ में क्या बोल रहे हैं, डॉट प्रिंटेबल, वो स्ट्रिंग को प्रिंट स्ट्रिप करके प्रिंट करो जो स्ट्रिंग प्रिंटेबल होगा। तो ये क्या करने वाला है पता है आपको, ये पूरा का पूरा तो प्रिंटेबल था ना, तो पूरे के पूरे को हटा दिया, है ना, ये पूरा का पूरा एक प्रिंटेबल था, एक कैरेक्टर था, ये कुछ है ना, ये स्ट्रिंग्स थे, तो ये पूरे जो प्रिंटेबल थे वो पूरे प्रिंटेबल को हटा दिया, सब कुछ हो गया, बस हमारा ये बच गया एक्सपैंड टाइप्स एंड रिप्लेस। देखिए तो हम इसे भी अभी जस्ट समझ सकते हैं हम लोग। उसके लिए क्या, हम लोग अपना प्रोग्राम खोलते हैं, रिप्लेस आपको समझ में आ रहा होगा कि रिप्लेस होता क्या है, सिंपल है। जैसे हमने ये कह दिया, पहले सबसे पहले एक वेरिएबल में हम लोग कुछ पास कर दे रहे हैं, स्ट्रिंग इज हियर, हमने ए में कुछ पास कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि जो भी स्पेस है, जहाँ पर भी हमने स्पेस दिया, जैसे स्ट्रिंग के बाद और ईच के बाद, या फिर कहीं कहीं पर ई लिखा हुआ है, कहीं आई, हम किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं, एक्चुअली हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग रिप्लेस फंक्शन में क्या करेंगे, हम लोग कॉल कर देंगे जिसमें से रिप्लेस करना है, उसके बाद हम रिप्लेस फंक्शन को कॉल कर देंगे, और रिप्लेस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट पास होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग पहले चीज को दूसरे चीज से बदलना चाहते हैं। तो पहला चीज क्या होगा, मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर हो सकता है, मान लीजिए कि आई है, ठीक है, आई है, ठीक है, तो हमने कॉमा दे दिया। अब आई के बाद अब हम कह रहे हैं कि आई को बदल दो आप किस से, बड़ा वाला ओ से, ठीक है। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं, ये जहां जहां पर इसको आई नजर आया वहां पे क्या कर दिया, कैपिटल ओ। देखिए इसमें भी वही होगा, है ना, जैसे अभी मान लीजिए कि हमने बी में असाइन कर दिया ए पी पी एल, और मान लीजिए ए ही है, ठीक है, यही है। अब हम उसी फंक्शंस को फिर से कॉल कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम ए को बदल रहे हैं, ठीक है, ए को बदल रहे हैं किस से, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था ना, तो हम इसे ई से बदल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से ये क्या होने वाला है, बी डॉट रिप्लेस ए को कर रहे हैं ई से। तो ये क्या किया, शुरू वाला भी तो ये था ना, कैपिटल ए था, तो क्यों, क्या वो ए नहीं था, ए था,
लेकिन रिप्लेस फंक्शन भी क्या है, उसी तरह से जिस तरह से पहले भी हम लोग देख चुके थे, रिप्लेस क्या है, यह भी एक केस सेंसिटिव फंक्शन है। मतलब जिसे आप सेलेक्ट करेंगे वो अगर स्मॉल में है तो ये सिर्फ स्मॉल पे काम करेगा, कैपिटल को भी नहीं सेलेक्ट करने वाला। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा रिप्लेस। चले अब हम लोग देख लेते हैं एक्सपेंड टाइप्स भी क्या होगा। एक्सपेंड टाइप्स में होगा, एक्सपेंड टाइप्स का मतलब होता है एक टाइप में जो भी स्पेसेस होते हैं उसको काउंट करना है। ऐसे ये तो आप कॉमन में बात करें तो 8 स्पेसेस इक्वल टू एक टैब होता है। अगर 8 बार आप स्पेस दबाते हैं तो एक टैब होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अभी सिर्फ ए में असाइन किया है एप्पल। ठीक है, हमने ए में असाइन कर दिया एप्पल, ए प्रिंट करेगा तो ए अगर डालेंगे तो ए एप्पल प्रिंट करने वाला है। अब मान लीजिए कि हम अभी प्रिंट करने बोल रहे हैं, इसको प्रिंट करिए। ठीक है, किसी को तो आप प्रिंट कर दिए लेंथ ऑफ इसे ए को। ठीक है, ये डालना भूल गया था। ठीक है, तो ये प्रिंट कर दिया कि सर लेंथ ऑफ ए के 5 तक था। ठीक है, अब हम मान लीजिए कि हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर इसी चीज़ को कॉपी करते हैं जो ए में लिखा हुआ है, उसी को कॉपी करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। हम इसे क्या बोल रहे हैं कि ए डॉट, देख लीजिए ठीक से, एक्सपेंड एंड हम इसे एक्सपेंड टाइप्स फंक्शन कॉल करते रहे। ठीक है, तो जस्ट इसमें कुछ नहीं, बस एक टाइप की संख्या बढ़ गई होगी, है ना। कभी कभी ये 8 बढ़ाता है, कभी 4 भी बढ़ाता है, ये चेंज करते रहता है, आपके स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है कि वो कितना बढ़ाने वाला है। तो ये क्या कर दिया, टी में असाइन कर रहा है ए को ही, लेकिन उसके साथ में एक्सपेंड टाइप्स फंक्शन कॉल करके। तो ये चला क्या टी में। अब हम इसी को मान लीजिए हम लोग कॉल कर देते थे और यहाँ पे लेंथ ऑफ हमने मान लीजिए टी रख दिया। अब देखिए लेंथ ऑफ टी क्या कर दिया, 5, ये भी उसमें प्रिंट कर दे रहा है। चलिए अभी तक सेम। अब मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा लिखे कि अब ए में हम चेंज करते हैं स्ट्रिंग को। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्लैश टी, चलिए जो लिखा रहा है कोई बात नहीं, इज ए एस टी, इतना स्पेस दे दिए, अब ए कर दिए। ठीक है, हम इसके पहले भी मान लीजिए स्लैश टी डाल देते हैं और अब इसे डाल दे रहे हैं। ठीक है, इतना लंबा ये करेक्टर है। ठीक है, अगर हम लेंथ ऑफ ए प्रिंट करें, अभी हम अगर लेंथ ऑफ ए प्रिंट कर दे रहे हैं लेंथ ऑफ ए, तो ये लेंथ ऑफ ए अभी 23। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने यही कर दिया और टी में असाइन कर दिया हमने ए डॉट एक्सपेंड टाइप्स। ठीक है, हमने ये कॉल कर दिया। अब हम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ टी, तो ये क्या बता दिया 33। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस जो टैब्स है ना उसको ये एक्सपेंड कर दिया, जो भी टैब्स हमने बढ़ाया था, है ना। मान लीजिए कि अगर हम अभी सिर्फ प्रिंट करना चाहें टी को, ठीक है, जस्ट देखिए हम सिर्फ टी को प्रिंट करना चाहें तो ये भी उसी तरह से है। देखिए प्रिंट टी किया हमने, अब प्रिंट ए भी कर देते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, टी में टैब्स की संख्या को ये बढ़ा दिया है। यहाँ पर अभी 10 बढ़ाया है, वही बोले हर जगह पे आपके जो भी स्ट्रिंग होंगे उससे ये मिलता जुलता ये बढ़ाता है। ये डिसाइडेड नहीं है कि ये 8 बढ़ाएगा, 4 बढ़ाएगा, 5 बढ़ाएगा, है ना, ये बस बढ़ा देता है। चलिए, तो इसका ज़्यादातर यूज है नहीं अभी, है ना, तो इस पर ज़्यादा आपको माइंड नहीं करना, और ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, बस ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड टैब्स कॉल करते हैं तो ये बस टैब्स की संख्या बढ़ा देता है, तो उसके अंदर टैब्स की संख्या बढ़ गई, स्पेसेस की संख्या बढ़ गई, तो बस कुछ नहीं। चलिए, तो हमने आई थिंक सब कुछ क्लियर कर लिया है ना, तो हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे, ये बहुत लंबा हो गया।
आपको कुछ एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आप ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं अगर कहीं पर भी डाउट है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ स्ट्रिंग्स, ठीक है, हमने यह स्ट्रिंग को लिख भी दिया, वन बनाना वाज प्रॉन बट वन वाज ग्रीन, हमने यही लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहला में कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, जो भी फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटलाइज कर देना है, ठीक है, ये बनाना है आपको। दूसरा क्या करना है, सर्चेस फॉर द लास्ट अकरेंस ऑफ ए इन द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड में ही जो लास्ट अकरेंस ऑफ ए होगा, ठीक है, जैसे यहां पर तो ए है नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, लास्ट अकरेंस ऑफ ए इन द फर्स्ट वर्ड, तो यहां पे हम सेकेंड कर देते हैं, चलिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पे सेकेंड कर दिए, ठीक है, सेकेंड वर्ड बनाना है, ठीक है। तो आप इसके अंदर आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि लास्ट अकरेंस ऑफ ए कहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग लेगा, मान लीजिए पहला ही स्ट्रिंग हो, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, क्रिएटर, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर पहले जैसा सेम है, कोई बात नहीं। दूसरा, क्रिएट्स अ लिस्ट कंटेनिंग ईच वर्ड, ठीक है, एक लिस्ट बनाना है, हर वर्ड का अलग अलग से एक लिस्ट बन जाएगा, है ना, ये बहुत सारे वर्ड्स तो इसके अंदर लिखे हैं आप, लेकिन सबको अलग अलग स्ट्रिंग बना के वो एक लिस्ट बनाने वाला, आपको लिस्ट बनाना है। तीसरा में क्या करना है, सर्चेस फॉर द लास्ट अकरेंस ऑफ ए इन द फर्स्ट वर्ड, क्वेश्चन सेम लग रहा होगा, है ना, क्वेश्चन सेम लग रहा होगा, तो बस हम इसे हटा देते हैं भाई, आपको इतना ही बनाना है, ठीक है, ये लिस्ट बना लेता है, ठीक है, चले। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सोशल मीडिया पर फुल शेयर करें, ताकि हमारे और भी जो भी दोस्त हैं जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के कारण नहीं सीख पाते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से इसे सीख पाएँ। और ये पाइथन में बहुत स्कोप है, पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग कोर्स आगे होने वाला है जिस जो सबको मात देगा, ठीक है, हम इसे गेम बनाएंगे, इसे एप्लीकेशन बनाएंगे, इसे वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, इसे वेबसाइट्स में मदद मिलेगी, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसे सीखते रहेंगे हम लोग। बाय बाय।